क्वेश्चन क्वेश्चन इज रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ़ 15 डिग्री इज़ uh, 50 मीटर इफ़ इट इज़ फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ़ 45 हमें बताना है रेंज क्या होएगी और हमारे ऑप्शन है 25 मीटर uh, 37 मीटर 50 मीटर या फिर 100 मीटर ना बहुत ही सिंपल सवाल है अपना जो प्रोजेक्टाइल पहले हमने ऐसे फेंका है फिफ्टीन डिग्री के एंगल पर सो लेटेस से फिफ्टी डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्टाइल ऐसे गया है और फोर्टी डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्टाइल लेट्स से यहाँ पर गया है सो so, ये पहले वाला एंगल आपका 15 डिग्री है सेकेंड वाला एंगल जिस पे हमने फेंका है वो आपका 45 डिग्री का एंगल है और दोनों ही केसेस में आपकी वेलोसिटी हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं यहाँ दिया भी हुआ है सेम स्पीड पे फेंकी है ना यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे विथ्स से रेंज जो है आपकी यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी होता है सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला रेंज वन पंद्रह डिग्री पर जो आएगी वो होगी यू स्क्वायर बाय जी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री नाव 30 क्यों आया यहाँ पे 2 इंटू फिफ्टीन हमने लिखा है सो ये आपकी रेंज वन की वैल्यू uh, आ गई और इसकी वैल्यू अपने को 50 मीटर्स दी हुई है ठीक है सो सेकेंड जो रेंज आएगी वो होगी आपकी यू स्क्वायर बाय जी साइन नाइन्टी डिग्री ये टू थीटा में आपने टू मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी ये नाइन्टी डिग्री हो गया सो विच मीन्स यू स्क्वायर बाय जी इसकी वैल्यू हो गई नाव इससे अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सो दिस एम्प्लाइज यू स्क्वायर बाय टू जी इसकी वैल्यू 50 है बाय 2g जी बिकॉज साइन थर्टी आपका 1 बाय टू होएगा इसकी वैल्यू 50 मीटर्स है विच uh, एम्प्लाइज इसकी वैल्यू जो होएगी uh, यहाँ पे अगर आप इसको यूज क्वार बाय जी लिखेंगे सो so आपका 100 मीटर बन जाएगा सो हंड्रेड मीटर वुड बी द राइट आंसर सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट चॉइस